Hi everyone, I am Narayan Sir from Saraswat International Academy, WAPI. Student, आज हम लोग Standard 12 Chapter 3 Electrochemistry के Part 3 में About the Cell study करेंगे. जैसा कि Part 2 में ही मैंने आपको explain कर दिया है और इस लेसन के मोस्ट ऑफ पार्ट अबाउट 80% विथ न्यूमेरिकल एग्जांपल इंडेक्स हमने ऑनलाइन क्लासेस में कंप्लीट कर दिया था. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वन टाइम रिमाइंड करा दूं मैं आपको, सेल और बैटरीज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय रिडॉक्स रिएक्शन इज कॉल्ड सेल और बैटरी. अ ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड बैटरीज, क्योंकि सेल वो होता है जिसके पास दो टर्मिनल होते हैं, एक एनोड और एक कैथोड. और ग्रुप ऑफ सेल को हम क्या बोलते हैं, बैटरी. बैटरी में बहुत सारे एनोड और कैथोड होंगे जो सीरीज में कनेक्टेड होते हैं. सेल को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था, प्राइमरी सेल एंड सेकेंडरी सेल. जैसा कि प्राइमरी सेल की बात करें तो प्राइमरी सेल के अंदर उस टाइप के सेल को हम इंक्लूड करते हैं जो लॉन्ग टाइम तक यूज करने के बाद डेड हो जाते हैं, वापस उनको रिचार्ज नहीं कर पाते और रीयूज में नहीं आते. और सेकेंडरी सेल में उन सेल को हम रखते हैं जो आफ्टर लॉन्ग टाइम यूज करने के बाद डिस्चार्ज हो जाए, अगेन उसको रीजनरेट रीप्रोड्यूस रिचार्ज कर सकें, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी सेल. सो इनके पार्ट के बेस पर देखें तो ड्राई सेल के अबाउट हमने इंफॉर्मेशन दे दी है. तो प्राइमरी सेल में दो सेल के अबाउट हमें स्टडी करना बोर्ड अगर हम जाएं तो. अगर हम किसी भी एग्ज़ाम के लिए जाएं, किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू को देखें, चाहे बोर्ड या किसी अदर कंपटीटिव एग्ज़ाम को, तो हमें सेल प्राइमरी सेल में दो सेल को स्टडी करना है. फर्स्ट इज ड्राई सेल, सेकेंड इज मर्क्यूरी सेल. सो मर्क्यूरी सेल बेटा, इट इज अ प्राइमरी सेल दैट कैन नॉट बी रिचार्ज रीजनरेट आफ्टर अ लॉन्ग यूज. दिस सेल mostly this cell is used in small device like torch, calculator, watch. It is produced low current than dry cell. Dry cell की current की जो EMF value है 1.5 volt है और इस cell की जो value 1.35 volt है. Dry cell का voltage value ज़्यादा है, तो यहाँ मेंशन किया गया है कि मर्क्यूरी सेल प्रोड्यूस लो करंट देन ड्राई सेल. इन दिस सेल एनोड जिंक अमलगम लेयर को एज एनोड यूटिलाइज करते हैं और कैथोड में का वर्क करता मर्क्यूरी ऑक्साइड विथ कार्बन. इस सेल के अंदर हम एज इलेक्ट्रोलाइट्स पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड को फिलअप करते हैं उनका पेस्ट. और इनको जब हम वर्क में लेते हैं तो वर्क में लेने के बाद इसके अंदर जो सेल रिएक्शन होता है एट एनोड, जिंक अमलगम लेयर जो एनोड का वर्क कर रही है वो एज के कांटेक्ट में आकर ऑक्सीडाइज होता है जिंक ऑक्साइड वाटर प्लस 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन. एंड द रिएक्शन दैट अकर एट कैथोड मर्क्यूरी ऑक्साइड दैट एक्ट एज ए कैथोड गेन 2 इलेक्ट्रॉन द रिलीज बाय एनोड एंड गेट रिड्यूस इन टू Hg plus twice OH. द नेट सेल रिएक्शन अगर हम बात करें नेट सेल रिएक्शन की, तो आप देखेंगे आप कि इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन वन साइड लेफ्ट हैंड साइड है, सेकेंड में राइट साइड है, तो इलेक्ट्रॉन बाई इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, राइट 2OH by 2OH कैंसिल हो जाएगा, वाटर बाई वाटर कैंसिल हो जाएगा. तो नेट रिएक्शन में हमें मिलेगा क्या, Zn plus HgO gives जिंक ऑक्साइड प्लस Hg. सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इस सेल के अबाउट कि दिस सेल जिसको हमने नोट में कन्वर्ट करके रखा है, दिस सेल प्रोड्यूस अ कॉन्स्टेंट सेल पोटेंशियल इन इट्स होल लाइफ ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ आयन. अगर नेट रिएक्शन को ऑब्जर्व करें तो इस सेल में कोई आयन्स नहीं है, तो दैट्स क्लियर है यहाँ पर पोटेंशियल उसके काइनेटिक एनर्जी पर डिपेंड नहीं करता. तो आयन्स ना होने की वजह से ये सेल जब तक देगा 1.35 वोल्ट की इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा, अदरवाइज सीधे जीरो. ओके,
सो नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे सेकेंडरी सेल। सेकेंडरी सेल जैसा ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया आपको कि अ सेल दैट बिकम डेड आफ्टर लॉन्ग यूज एंड इट कैन बी रिचार्ज रीजनरेट रिप्रोड्यूस इज कॉल्ड सेकेंडरी सेल। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हमें दो सेकेंडरी सेल के अबाउट यहाँ पर डिस्क्रिप्शन देना है, डिस्क्राइब करना है, वो है लेड स्ट्रेस सेल एंड सेकेंड निकल कैडमियम स्टोरेज सेल। तो फर्स्ट लेड स्टोरेज सेल बोलते हैं, इट इज़ अ सेकेंडरी सेल दैट रिचार्ज आफ्टर लॉन्ग यूज बाय पासिंग अ करंट थ्रू इट इन द अपोजिट डायरेक्शन। इन सेंटेंस का मीनिंग ये हो गया कि जब इसे लॉन्ग टाइम तक यूज करने के बाद डिस्चार्ज हो जाएगा, हमें रिचार्ज करना हो तो डिस्चार्ज बैटरी के एनोड को हम अदर बैटरी के कैथोड से और डिस्चार्ज बैटरी के कैथोड को अदर बैटरी के एनोड से कनेक्ट करेंगे, जिससे करंट की डायरेक्शन रिवर्स होगी, राइट। तो रिचार्जिंग के और डिस्चार्जिंग के रिएक्शन भी एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। लेडीज सेल को जनरली हम यूज करते कहाँ पर? ऑटोमोबाइल्स, इन्वर्टर, मतलब टू व्हीलर फोर व्हीलर व्हीकल्स में जो भी बैटरी यूटिलाइज हो रही है, दैट इज लेड स्टोरेज सेल। लेड स्टोरेज सेल में एनोड पीवी प्लेट होती है, कैथोड का वह लेड ऑक्साइड कोटेड लेड प्लेट करता है। इस सेल का पोटेंशियल होता है 2 वोल्ट, पोटेंशियल 2 वोल्ट होता है। अगर हमें और हाई वोल्टेज की बैटरी बनानी है तो ऐसे सेल को हम सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं, लाइक 6 वोल्ट के लिए हमें 3 सेल कनेक्ट करना होगा, 12 वोल्ट के लिए 6 सेल कनेक्ट करनी पड़ेंगी। इस सेल में हम एज इलेक्ट्रोलाइट 38% वेट बाय वेट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड यूज करते हैं और इस 38% वेट बाय वेट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड का इनिशियल डेंसिटी जब सेल अलाइव होता वर्क करता देन दैट टाइम 1.25 ग्राम पर एमएल टू 1.30 ग्राम पर एमएल होता है। बट व्हेन सेल इज बिकम डेड डिस्चार्ज दिस डेंसिटी डिक्रीज एंड चेंज इनटू 1.10 ग्राम पर एमएल टू 1.15 ग्राम एमएल। ओके, जैसा यहाँ पर मेंशन किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट रिएक्शन, जब इस सेल को हम यूज में लेते हैं तो सेल के अंदर एनोड और कैथोड पर होने वाले रिडॉक्स रिएक्शन के अबाउट हम स्टडी करेंगे। एट एनोड लेड प्लेट, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं 2 वोल्ट की इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के ड्यूरिंग ए सेल 2 मोल सल्फ्यूरिक एसिड कंज्यूम होता है करता है। एट एनोड पीबी 1 सल्फेट आयन से कंबाइन होता है और प्रोड्यूस करता है पीबी लेड सल्फेट एंड 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। एंड एट कैथोड लेड ऑक्साइड कंबाइन विथ 4S+1 सल्फेट एंड 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन गेट कन्वर्टेड इन लेड सल्फेट एंड वाटर। सो फाइनली व्हेन सेल इज बिकम डेड प्रोड्यूस लेड सल्फेट। आपको ये पॉइंट्स ऑब्जेक्टिव या अदर में पूछे जा सकते हैं। व्हाट आर नेम ऑफ केमिकल कंपाउंड दैट प्रोड्यूस व्हेन लेड स्ट्रेस सेल इज बिकम डेड? लेड सल्फेट। रिचार्जिंग रिएक्शन जो आपने पढ़ा है, ऊपर लिखा है यहाँ डिस्चार्जिंग एंड रिचार्जिंग रिएक्शन। सो बात करें आप रिचार्जिंग, ऑलरेडी इसके अबाउट हमने एक्सप्लेन किया कि लेड स्ट्रेस सेल को जब हम रिचार्ज करते हैं तो देन डिस्चार्ज बैटरी के एनोड को हम किससे कनेक्ट करते हैं? अदर बैटरी हाई वोल्टेज के डिवाइस से, कैथोड से। तो रिएक्शन वही होंगे जो डिस्चार्जिंग रिएक्शन है, वही होंगे रिचार्जिंग के बट रिवर्स इन डायरेक्शन एंड दैट टेक प्लेस इन अपोजिट इलेक्ट्रोड, अपोजिट चार्ज इलेक्ट्रोड। एट एनोड एनोड पर होने वाला रिएक्शन वो होगा जो कैथोड पर हुआ था बट रिवर्स इन डायरेक्शन। देखिए यहाँ पर लेड सल्फेट है जो यहाँ पर एज ए रिएक्टेंट बन गया, यहाँ आपका प्रोडक्ट था और यहाँ ये जो रिएक्टेंट थे और यहाँ आपके बन गए क्या? प्रोडक्ट बन गए। क्योंकि अलाइव करना सेल को, वापस से रिजनरेट करना, तो हमें वो सब आयन्स वो कंपोनेंट होने चाहिए सेल के अंदर जो पहले थे। एट कैथोड यहाँ पर देखें, अगर ऑब्जर्व करें तो एट एनोड एनोड पर लेड सल्फेट बनता है और यहाँ पर ये रिएक्टेंट हो गया
यहाँ पर ये रिएक्टेंट हो गया और ये रहा आपका प्रोडक्ट। तो ये लेड स्टोरेज सेल हो गया इज ए सेकेंडरी सेल। देन आफ्टर हम बात करेंगे नेक्स्ट सेकेंडरी सेल। अगले सेकेंडरी सेल की बात करें तो वो है निकल कैडमियम स्टोरेज सेल। निकल कैडमियम स्टोरेज सेल कह सकते हैं कि ये मोर इफेक्टिव है देन द लेड स्टोरेज सेल। निकल कैडमियम स्टोरेज सेल एन इम्पॉर्टेंट सेकेंडरी सेल दैट हैविंग लॉन्ग लाइफ देन लेड स्टोरेज सेल बट मोर एक्सपीरियंस ऑफ मैन्युफैक्चर। निकल कैडमियम स्टोरेज सेल जो है ये सेल की लाइफ भी लेड स्टोरेज सेल से ज़्यादा है बट इस पर एक्सपेंस भी जो आता वो भी कहीं न कहीं ज़्यादा है। इस सेल में एनोड कैडमियम प्लेट होती है और कैथोड निकल होता है विथ निकल हाइड्रोक्साइड के इलेक्ट्रोलाइट्स के साथ। निकल हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन यूज करते हैं एज इलेक्ट्रोलाइट्स और इसका स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल होता है 1.45 वोल्ट। समटाइम्स कुछ टेक्स्ट बुक में आप देखेंगे तो वहाँ मेंशन किया 1.40 टू 1.45, दैट इज द रेंज, मतलब 1.40 से लेस नहीं हो सकता। ये भी एक सेकेंडरी सेल है तो दैट्स क्लियर। इसमें चार्जिंग और डिस्चार्जिंग दोनों रिएक्शन होगा। सेल लॉन्ग टाइम तक यूज करने के बाद जब डिस्चार्ज हो जाएगा तो हम उसको रिचार्ज करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्चार्जिंग रिएक्शन एट एनोड। कैडमियम दैट एक्ट एज एनोड गेट ऑक्सीडाइज इन कैडमियम ऑक्साइड बाय लूजिंग 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाय लूजिंग 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। एंड निकल हाइड्रोक्साइड दैट रिमेन्स विथ निकल इलेक्ट्रोड कैथोड गेट रिड्यूस इन टू निकल हाइड्रोक्साइड 2, मीन्स निकल हाइड्रोक्साइड इनिशियली 3+ ऑक्सीजन रखता है और निकल NiOH का होल ट्वाइस में 2 है तो रिड्यूस हो रहा है। नेट रिएक्शन देखें तो इलेक्ट्रॉन बाय इलेक्ट्रॉन कैंसिल होगा, OH बाय OH कैंसिल हो रहा है और फाइनली हमें मिल रहा क्या CD+ ट्वाइस NiOH का होल थ्राइस CDO+ कैडमियम ऑक्साइड प्लस निकल हाइड्रोक्साइड एंड वाटर। सो जैसा लेड स्टोरेज सेल में हमने ऑब्जर्व किया देखा कि जो रिएक्शन डिस्चार्जिंग के ड्यूरिंग एनोड पर हो रहा है वो रिचार्जिंग में कैथोड पर होगा बट रिवर्स इन डायरेक्शन, मतलब जो प्रोडक्ट है रिएक्टेंट जो होगा वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एट एनोड एनोड पर रिएक्शन कौन सा होगा, एनोड पर होगा कैथोड का रिएक्शन ई। जहाँ पर ये प्रोडक्ट है वो रिएक्टेंट बन गया ट्वाइस NiOH का होल ट्वाइस राइट एंड 2OH गिव्स निकल हाइड्रोक्साइड प्लस 2 इलेक्ट्रॉन एंड द रिएक्शन दैट अकर एट एनोड टेक प्लेस एट कैथोड ड्यूरिंग रिचार्जिंग CDO मतलब कैडमियम ऑक्साइड प्लस वाटर प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स CD कैडमियम प्लस ट्वाइस OH। नेट रिएक्शन अगेन इज दिस, वही नेट रिएक्शन है जो आपका हो रहा है ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग, डिस्चार्जिंग में रिवर्स इन डायरेक्शन, दैट्स ऑल। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट चैप्टर हमारा चालू होगा चैप्टर 2 सॉल्यूशन, क्लियर। और ऑनलाइन क्लासेस में हमने इंटेक्स एग्जांपल न्यूमेरिकल आपको साथ में हेडिंग वाइज करा दी, इसमें कोई न्यूमेरिकल रिलेटेड नहीं है अगर हम बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो, क्लियर। अदर हेडिंग हो गई हैं और एक्सरसाइज के भी न्यूमेरिकल साथ में आपको करा दिए गए हैं। 1-2 पॉइंट्स होंगे जो सिमिलर न्यूमेरिकल हों वो आपको प्रैक्टिस करनी है, डाउट होगा तो उस पर हम क्लास अलग से रखेंगे। दैट्स ऑल, बाय बेटा।